next show of Export Import Entrepreneurs, the IIIM's Exempreneur Talk Show. ये शो में आज हम लेके आए हैं बहुत ही फ्रेश नए एक्सपोर्टर भार्गव पटेल को. और भार्गव हमारे हैं जो 2015 में इन्होंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स किया और उसके बाद भार्गव ने अपने फादर के बिजनेस में और रिटेल बिजनेस में अपना पैर जमाए. फिर उनको अपने ड्रीम, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ड्रीम था, उसको फॉलो करने की मन किया. तो आज हम भार्गव से बात करेंगे, वो कैसे आए, ये फैमिली बिजनेस होते हुए भी कैसे आए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में. पहले मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूंगी, उसके बाद हम भार्गव की कहानी सुनेंगे. भार्गव, आप अपना थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दे दीजिए. जी हाँ, मैं अहमदाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और कॉलेज फिनिश करने के बाद मेरा पूरा एक्सपीरियंस रिटेल फील्ड में ही रहा है, ऑपरेशंस में. और पहले से मुझे इच्छा थी कि कुछ एक्सपोर्ट में करना है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज से गुड्स आते हैं, इंडिया से बहुत गुड्स बाहर जाते हैं. तो ऑलवेज एक इच्छा थी कि इसी फील्ड में आगे बढ़ूँ, बट समहाउ बिकॉज डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण मैं वही फील्ड में, रिटेल फील्ड में ही थोड़े टाइम तक जमा रहा. और फैमिली क्या है आपकी, फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली में पापा कार डीलर थे, बट ही वांटेड मी टू स्टडी एंड अचीव सम अदर ड्रीम्स. और मेरा पहले से रिटेल एंड एक्सपोर्ट, इन दोनों चीज पे ज्यादा झुकाव था. ओके, तो रिटेल और एक्सपोर्ट आपने रिटेल कर लिया अभी? जी हाँ. अभी एक्सपोर्ट भी आपने, अभी फ्रेश एक्सपोर्टर हो, अभी आपने एक्सपोर्ट भी किया. जी हाँ. इन दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है, 2015 में मैंने कोर्स किया था, मगर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग मेरा काम चल रहा था उससे साइडलाइन करके एक्सपोर्ट में आना थोड़ा मुश्किल था. तो मैंने ये समय यूज किया है प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे करने में और अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जमाने में. अब ऐसा है कि मैं अपना थोड़ा फ्री टाइम निकाल के एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकता हूँ. ओके, आपने प्रोडक्ट्स चुनी ऐसा आप कह रहे हो, आपने फ्री टाइम में प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ऐसा आपने बोला अभी? जी हाँ मैम. तो ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू, कैसे आपने जीरो डाउन किया इन प्रोडक्ट्स पे? जी हाँ मैम, बिकॉज मैं पहले से रिटेल फील्ड में रहा हूँ, तो मेरा झुकाव फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा होता है या तो एग्री कमोडिटीज पे ज्यादा होता है, जिसका टर्नओवर बहुत फास्ट होता है. इसीलिए मैंने 3-4 प्रोडक्ट जीरो डाउन किए थे, उसमें से मैंने फाइनली ऑनियंस को पसंद किया था क्योंकि उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और हमारे वहाँ की क्वालिटी बाहर के देशों में अच्छी मानी जाती है. यहाँ का प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है और टर्नओवर काफी अच्छा है इसका, रोटेशन में बिजनेस काफी अच्छा चल सकता है. ओके, तो अनियंस आपने एफएमसीजी, मतलब जो बहुत ही फास्ट मूविंग है, अनियन के बिना आज कोई रसोई बन नहीं सकती, तो आपने वो रसोई के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए आपने अनियंस चूज किया. अब ये इसमें आपने एक्सपोर्ट किया? जी हाँ मैम, मैंने IIIM के हेल्प से अभी रिसेंटली एक एक्सपोर्ट किया है. और आपको कैसे पता चला कि IIIM ये करती है, तो आप यहाँ पे? मैंने एक्चुअली मैम अपने हिसाब से बहुत सर्वेस किए थे ये प्रोडक्ट के और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है वगैरह, और साथ में मैं IIIM को फॉलो भी करता था ऑन सोशल वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया. और उसी से मुझे पता चला कि आई सपोर्ट करके उनका प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो जिनको एक्सपोर्ट करना है स्पेशली इन एग्रो कमोडिटीज ओनियन, उनको वो हेल्प करेंगे, सोर्सिंग करने में हेल्प करेंगे, लॉजिस्टिक्स में हेल्प करने में, और वहाँ पे जाके सेल्स में भी हेल्प करेंगे. ऑलराइट, तो IIIIM के आई सपोर्ट की वजह से आपने, पर आपने सारा कुछ अपने आप किया? जी हाँ. हाँ, गाइडेंस चाहे, ठीक है, हमें कोई गाइडेंस के लिए चाहिए, हमें कोई मदद के लिए चाहिए, हमें कोई सपोर्ट के लिए चाहिए, पर आपने अपने आप सारा कुछ किया. जी हाँ. कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेसिंग हुआ है, और जाहिर है थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ता है, मगर ऑल इन ऑल आई एम वेरी कंटेंट. ओके, सुना है मैंने, हम जब बाहर बैठे थे ये हमारे टॉक शो से पहले, तो मैंने सुना है कि आप अपने कंटेनर जब दुबई पहुंचे तो आप भी वहां गए थे? जी हाँ मैं गया. तो वहां पे आपको कैसा लगा माहौल, अनियन का कंटेनर वहां जाके आपको कैसा लगा?
एक्चुअली वहाँ ऐसा है कि पूरा एक यार्ड है जिसमें स्पेसिफिकली ओनियंस के ही कंटेनर लगे होते हैं, थोड़ी छोटी मंडी जैसा है, और सॉर्ट ऑफ ऑक्शंस होते हैं वहाँ पे, जो उस दिन का रेट होता है वो उस तरह से आपको प्राइस देते हैं आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखने के बाद। ऑलराइट, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको जैसे ये हमारे आपके प्रोडक्ट की बात हो गई, आपके एक्सपोर्ट की बात हो गई, पहला एक्सपोर्ट करने के बाद वही ड्रीम का वही एक्साइटमेंट है अभी भी आप में? जी हाँ, अभी भी वही एक्साइटमेंट है। पहला एक्सपोर्ट होने के बाद आई एम वेटिंग कि मैं दूसरा एक्सपोर्ट कब करूं और ये आगे वॉल्यूम कैसे बढ़ता जाए। तो आप क्या कर रहे हो अभी उसके लिए? अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और किसी कंट्री में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट करूँ। ओके, वो कोई अलग कमोडिटी है, अलग प्रोडक्ट है या कौन सा प्रोडक्ट के साथ आप जाएंगे? वो सेम प्रोडक्ट है, मैं अभी यही प्रोडक्ट पे काम करना चाहूंगा। अनियन पे ही काम करना चाहते हो? ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ भार्गव आपसे कि आप खुद के बिजनेस जो टाइल एडहेसिव है, जो टाइल्स चिपकाने का काम है, ये आपका बिजनेस है, उसमें से हट के आपने अभी आपका ड्रीम फॉलो करना चाहा। जी हाँ। तो 2015 से लेके आज तक, आज 2018 में है हम, तो व्हाट डिड यू डू फ्रॉम 2015 एज यू टोल्ड अस दैट यू वर इनटू योर बिजनेस एंड सम काइंड ऑफ अ थिंग एस्टैब्लिशिंग योर पैच हमारे था रिटेल में, ऑपरेशंस में जॉब की वगैरह, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कितना समय लगता है? आपने कोर्स किया, आप एक्सपोर्ट में गए, अगर सही संजोग है तो आपके हिसाब से ये दोनों के बीच में कितना समय लगता है? अगर आपका डेडिकेशन 100% है तो कोर्स फिनिश करने के बाद तो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 3 महीने का टाइम चाहिए आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, और अगर उससे भी ज्यादा डेडिकेटेड हो आप और वही प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हो, आप क्लियर हो प्रोडक्ट के बारे में और आपके कंट्री के बारे में जहां आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उससे भी कम समय में हो सकता है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आपको पैर जमाने के लिए एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में पैर जमाने के लिए आपको 1000 दिन लगते हैं। ओके, सो 1000 डेज आपने अभी ये कर लिया, तो 1000 डेज यू नीड टू बी हियर इन दिस फील्ड, इन दिस एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको सीजन के बारे में पता होना चाहिए, आपको वहां पे क्या माहौल है, बेचेंगे लॉस होगा नहीं होगा, मार्जिन क्या होगी, ये सब देखने के लिए आपको 3 सीजन से गुजरना पड़ता है। जी हाँ। तो इसके लिए 1000 दिन हमें ट्रेड इंडस्ट्री ये कहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्री ये कहती है कि आपने एक्सपोर्ट शुरू किया 1000 दिन तक टिके रहो। तो आप क्या कहना चाहोगे जो लड़के हमारे हैं वो करते हैं, हार मान लेते हैं, अभी नहीं करना है, अभी हम कुछ और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, अभी हम ये करेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि फोकस अगर आप रखेंगे आपके प्रोडक्ट पे और उसी पे अगर डेडिकेशन से काम करेंगे तो गोल्स जरूर अचीव होंगे, मगर आप अगर पहले दिन से ये मान ले कि मैं पहले कंटेनर से बहुत सारा मुनाफा कमाने लगूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लोकल ट्रेड में भी पॉसिबल नहीं है, मगर आपका प्रेजेंस रहेगा मार्केट में, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट से वो परिचित हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आगे जाके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ऑलराइट, आपका एक एक्साइटमेंट कब था जब आपको इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी में जब पैसे मिले? मैं बहुत एक्साइटेड था, और क्योंकि बैंक से भी एक इंटीमेशन आता है कि आपके अकाउंट में एक फॉरेन करेंसी ट्रांसफर आ रहा है, तो तब बैंक में जाते हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। बैंक वाले भी पूछते होंगे कि भाई आपको ये कहां से आया, क्या जी किया? जी हाँ। So that was an excitement that yes. you had. So yes. the although आपको रुपीज में मिला वो पैसा, but it has its excitement. Yes. Am I right? Yes, yes. All right. So आपने वो पैसे का क्या किया? अभी तो मैम वही साइड में रखा है, क्योंकि अगर री एक्सपोर्ट करेंगे फिर से तो वही यूज में लेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट रोलिंग ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉरेन एक्सचेंज विल गिव यू अ डिफरेंट स्टेटस, अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। तो शुरू करें अपने आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। मानो आप हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पैर जमाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे प्लीज? उनके लिए मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि फोकस ज्यादा रहे, सर्वे थोड़ा ज्यादा करें, रिसर्च करें, स्टडी करें और यहाँ पे लगे रहें। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच भार्गव फॉर बीइंग विद अस. दिस वाज अ न्यू एक्सपीरियंस. 2015 में कोर्स किया और आज तक वो कोर्स के बारे में पढ़ते रहे हैं और ट्रिपल आईएम के आई सपोर्ट और हेल्प डेस्क को की हेल्प ले रहे हैं. तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, पर जमे रहिए, बी फोकस्ड, डू नॉट गिव अप इजिली. यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई हार्ड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू भार्गव पटेल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विद अस.